Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss iopaque system of naming alkenes. हम iopaque rules पढ़ेंगे कि किस तरह हम alkenes को नाम देंगे. सबसे पहले already we have discussed that alkenes are unsaturated hydrocarbon. They contain double bond and double bond act as a functional group. अल्कीन्स के जो फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है. आज हम आयोपेक सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह आयोपेक सिस्टम अल्कीन्स को नाम देते हैं. यहाँ पे आयोपेक रूल्स, आयोपेक सिस्टम हैज सेट रूल्स टू नेम अल्कीन्स. अल्कीन्स को नाम देने के लिए आयोपेक सिस्टम ने कुछ रूल्स सेट किए हैं. सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स के बाद फिर हम आएंगे और अल्कीन्स को नाम देंगे. सबसे जो पहला रूल है आयोपेक रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो. फिर जो चेन हमने सेलेक्ट किया है फिर उसको हम नाम देंगे. नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. यहां पे जो हम नाम देते हैं that name is called the parent name of the compound. इसको हम parent name कहते हैं. जब हम alkene को नाम देते हैं तो एक बात ज़हन में याद रख ले कि n of alkene is replaced by ene. फॉर एग्जाम्पल अगर टू कार्बन है तो इथेन का जो एन है उसको हम इन पे रिप्लेस करेंगे तो कंपाउंड का नाम होगा इथीन. या प्रोपेन, तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है तो एन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय इन. और इन रिप्रेजेंट द कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है फिर उसको हम नाम देंगे. तीसरा जो रूल है कि यहाँ पे अगर नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग किस साइड से हम देंगे तो नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन नजदीक हो, कम आ रहा हो, कम नंबर पे आ रहा हो तो उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स लीस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड. देखो यहां पे हम नंबरिंग स्टार्ट आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड. तो हम देखेंगे कि जिस साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन कम आ रहा है तो उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. चौथा जो रूल है, अगर एक अल्कीन है उसमें दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, थ्री डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ट्राई यूज करेंगे फॉलोड बाय इन. तो चौथा रूल है पार टू डबल बॉन्ड्स यूज डाई फॉलोड बाय इन. अगर दो डबल बॉन्ड है तो फिर हम डाई यूज करेंगे, डाई के बाद हम लगाएंगे इन.
अगर तीन डबल बॉन्ड है और थ्री डबल बॉन्ड यूज ट्राई फॉलोड बाय इन। अगर चार डबल बॉन्ड है तो टेट्रा हम यूज करेंगे और फॉलोड बाय इन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो हम डाइइन यूज करेंगे, तीन डबल बॉन्ड है ट्राइइन यूज करेंगे, चार डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन इन उसके बाद हम लगाएंगे। पांचवा जो रूल है हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ ईच डबल बॉन्ड इज मेंशन, या पांचवा जो रूल है हम इस तरह mention the position of double bonds। अगर दो डबल बॉन्ड है तो दोनों के हम पोजीशन मेंशन करेंगे, अगर तीन डबल बॉन्ड है तो तीनों के हम पोजीशन मेंशन करेंगे। चौथा सिक्स रूल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इस तरह हम लोकेट एंड आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां पे जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स लोकेट करते हैं, लोकेट मींस कि किस लोकेशन पे किस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। यहाँ पे एक और सेवंथ जो रूल है, हम यहाँ पे अगर हमारे साथ सेम सब्स्टिट्यूएंट से दो है या दो से ज्यादा है तो उसके लिए भी हम डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करेंगे। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिपीटेड यूज डाई फॉर टू ट्राई फॉर थ्री टेट्रा फॉर फोर एक्सेट्रा। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है और दो है तो डाई यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल दो अगर मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, इथाइल है तो डाई इथाइल वगैरह वगैरह हम यूज करेंगे। आठवां जो रूल है, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो फिर उनको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है अरेंज देम अल्फाबेटिकली। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो इसको हम फिर अल्फाबेटिकली हम अरेंज देम अल्फाबेटिकली इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। सिमिलरली एक और रूल है उसको हम जहन में रखेंगे कि अगर हमारे साथ ये जो नंबर आते हैं पोजीशन, सिमिलरली यहाँ पे मेंशन पोजीशंस ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब की पोजीशंस को हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सब्स्टिट्यूएंट से टू डिफरेंट पोजीशंस पे मौजूद है या सेम पोजीशन पे मौजूद है, टू टाइम्स मौजूद है, तो फिर उस जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे मौजूद है उसको हम रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर दो पे दो मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो फिर इसको हम टू टू डाई मिथाइल लिखेंगे। या फॉर एग्जांपल इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर टू पे मौजूद है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर फोर पे मौजूद है, तो फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे टू फोर डाई मिथाइल, टू फोर डाई इथाइल, टू फोर डाई अमाइनो वगैरह।
तो यहां भी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसका जो नंबर है वो भी रिपीट होंगे। दसवां जो रूल है अल्कीन्स को नाम देने के लिए, इसको यहां भी अगर डिजिट्स है तो ओहो कामा के जरिए हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। अगर हिंसा है, डिजिट है, नंबर है अल्फाबेट से, हम फिर उसको हाइफन के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो ये जो दसवां रूल है, डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कामा। हम दो हिंसों के दरमियान कामा पुट करेंगे एन डिजिट फ्रॉम अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। हिंद से और लफ्ज के दरमियान या वर्ड के दरमियान हम पुट करेंगे हाइफन, दो डिजिट्स के दरमियान हम पुट करेंगे कामा। अभी ये हमने 10 रूल्स पढ़े हैं, इन रूल्स के मदद से अब हम आते हैं और अल्कीन्स को नाम देते हैं कि किस तरह हम अल्कीन्स को नाम देंगे। हमने रूल्स फेक रूल्स पढ़े हैं, अब हम आते हैं कुछ अल्कीन्स को नाम देते हैं उन रूल को जहन में रखते हुए। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH C2H5, CH2CH3। यहां पे आप देखते हैं कि ये हमारे साथ सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, अगर इस चेन को आप देखते तो ये हमारे साथ लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम इसको नंबरिंग देंगे, अगर आप देखें तो नंबरिंग हम वी कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम राइट साइड आर फ्रॉम लेफ्ट साइड। हम देखेंगे कि किस साइड पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, चार नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इस साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहां से 1, 2 कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग देंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। वेयर नेम ऑफ द कंपाउंड, ये 6 कार्बन को हम हेक्सेन कहते हैं, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है तो एन ऑफ हेक्सेन इज रिप्लेस बाय इन। तो कंपाउंड का जो पेरेंट नेम है हेक्सीन कंपाउंड का पेरेंट नाम है। अभी देखो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, इसको हम मेंशन करेंगे, पोजीशन है कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो हम 2 यहां पे लिखेंगे। अभी देखो ये जो 2 है और H हेक्सेन, इनके दरमियान वी विल पुट हाइफन हम यहां पे पुट करेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट से यार कार्बन नंबर 4 और वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है इथाइल, तो इसको हम मेंशन करेंगे पूर इथाइल 2 हेक्सीन इज द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये इस कंपाउंड का आयोपेक नेम है। दूसरा एक कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। यहां पे देखो ये जो स्ट्रेट चेन है, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, इसको हम ने सेलेक्ट किया है। स्टार्ट नंबरिंग अगर आप देख रहे तो यहां पे भी कार्बन नंबर 2 पे वो डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से भी कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जिस साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5, 6 एंड दिस इज कार्बन नंबर 7। पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड हेप्टीन है,
हेप टेन है तो एन को हम रिप्लेस करेंगे इन से, तो यहाँ भी कंपाउंड का नाम हिप्टीन। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दो डबल बॉन्ड है, तो इन से पहले हम यूज करेंगे डाइन, तो यहाँ पे हेप्टा डाइन कंपाउंड का पेरेंट नेम है। आल्सो मेंशन पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे अगर आप देख ली एक कार्बन पे कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड है, दूसरा जो डबल बॉन्ड है इट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर फाइव, तो कंपाउंड का नाम होगा 2-pi हेप्टाडाइईन। ये कंपाउंड का पेरेंट नेम है, या इसको हम इस तरह भी नाम दे सकते हैं हेप्टा 2-pi डाइईन, ये नाम भी आप दे सकते हैं, ये नाम भी आप दे सकते हैं। बोथ नेम्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम ने दोनों नाम को अप्रूव किया है। अगर आप इस तरह नाम देंगे इस कंपाउंड को तो ये भी ठीक है, अगर आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं या देते हैं तो ये भी ठीक है। एक और कंपाउंड हम लेते हैं, अल्कीन लेते हैं और उनको नाम देते हैं। ये कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, यहाँ पे CH CH3 एंड दिस इज CH3। तो यहाँ पे आप देख लिए, हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पैरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड क्या है? हेक्सीन। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 2 हेक्सीन, ये कंपाउंड का पैरेंट नेम है। यहां पे अगर आप देखें तो दो सब्सटीट्यूएंट्स मौजूद है और सेम सब्सटीट्यूएंट्स है, तो सेम सब्सटीट्यूएंट्स को हम डाई ट्राई वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंपाउंड को हम नाम देंगे 4-5-dimethyl 2-hexene। यहां पे पोजीशन ऑफ ईच सब्सटीट्यूएंट, चूंकि कार्बन नंबर 4 पे एक मौजूद है, एक कार्बन नंबर 5 पे मौजूद है, तो इसको हम मेंशन करेंगे, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। अब हम आते हैं इस के दो एक जैसे सब्सटीट्यूएंट अगर एक कार्बन पे मौजूद है तो उसको हम नाम देते हैं। एक इस तरह एक कंपाउंड है CH3 CH3 CH double bond CH2। इस कंपाउंड को हम अगर आप यहां पे देखें, यहां पे हम सब्सटीट्यूएंट को इग्नोर करेंगे, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस साइड से जिस साइड पे नंबर आपका डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो, तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड 1 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटीन, और ये जो ब्यूटीन है इसको हम 1-butene और टर्मिनल ब्यूटीन भी कह सकते हैं। पोजीशन अगर आप देख ले कार्बन नंबर 3 पे सेम सब्सटीट्यूएंट से 2 times रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे ये जो 3 है इसको भी हम रिपीट करेंगे, तो कंपाउंड का नाम होगा 3-3-dimethyl 1-butene। 3-3-dimethyl 1-butene is the IUPAC name of the compound, या अल्कीन का IUPAC name है। एक और कंपाउंड हम लेते हैं, उनको हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ CH3 सिमिलरली CH C2H5 CH double bond CH and CH3। We have to start numbering from right side. This is carbon number 1, this is carbon number 2, 3, 4, 5 and this is carbon number 6. अभी यहाँ पे आप देख ली different substituents है, तो इन substituents को हम alphabetically arrange करेंगे। ये हमारे साथ parent name of the compound is 2-hexene. 2-hexene compound का parent name है, substituent different है, या भी मिथाइल है, इथाइल है, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे 4-ethyl
पाइप मिथाइल टू हेक्सीन, ये कंपाउंड का पैरेंट नेम है। अब यहां पे अगर आप देखिए साइक्लो अल्कीन्स, इनको भी हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, इस तरह कंपाउंड है, वन डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं हो, तो फिर इसको हम नाम देते हैं, हम कहते हैं दैट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज वन। तो फिर इसको हम ये हमारे साथ नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन एटम्स इसमें रिंग में मौजूद है। कंपाउंड को हम हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन से पहले चूंकि रिंग फॉर्म है तो साइक्लो हम लिखेंगे, तो कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। अंडरस्टूड है कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज वन, कार्बन नंबर वन। अगर एक से ज्यादा हो इस तरह, तो फिर इसको हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कंपाउंड है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, या इसको अगर आप सेलेक्ट करें, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड के लिए हम डाई यूज करते हैं। कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोहेक्साडाइईन। और पोजीशन आप मेंशन कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है, एक है कार्बन नंबर 4 पे। तो इसको हम नाम देंगे 1,4 हेक्साडाइईन, इस कंपाउंड का आयुपेक नेम है। अभी एक और हम देते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक अल्कीन्स में या साइक्लो अल्कीन्स में सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हो, तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी मेंशन करेंगे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे साथ यहां पे C2H5 मौजूद है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर हम किस साइड से, यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। पैरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। और पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज 1, और यहां पे आप मेंशन करेंगे 3 इथाइल 1 साइक्लोपेंटीन। यहां पे अगर आप 1 को मेंशन करते हैं तो ठीक है, अगर मेंशन न भी करें फिर भी ठीक है।